डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। पश्चिम बंगाल में तैनात CRPF के जवान रामानंद पांडे आज अपने घर माता पिता को लेकर SP ऑफिस पहुंचे और पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही सरेनी पुलिस के साथ साथ मेडिकल जांच पर भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के खेमान खेड़ा गांव का है, जहां पर अखिलेश चंद पांडे और उनकी पत्नी सुंदरी पांडे SP ऑफिस पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पड़ोसी अंकित पांडे, अंकुर पांडे, शक्ति पांडे और पूनम पांडे ने रास्ते के विवाद को लेकर उनसे मारपीट की। शिकायतकर्ता अखिलेश पांडे के बड़े बेटे रामानंद पांडे CRPF में हैं और इस समय बंगाल चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है। मारपीट में माता पिता के घायल होने की सूचना मिलने पर छुट्टी लेकर वह रायबरेली पहुंचे। उनका आरोप है कि सरेनी पुलिस ने मामूली धाराओं में कार्रवाई की है, जबकि उनकी माँ के सर में काफ़ी चोटें आई हैं। अब यह डरा सहमा परिवार घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि विपक्षी दल बल के साथ उन्हें मारने के लिए खोज रहे हैं। ऐसे में पीड़ित का आरोप है कि उनका दोबारा से मेडिकल परीक्षण कराया जाए। उनका यह भी कहना है कि सरेनी पुलिस उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद पांडे है। कहाँ पे तैनाती है आपकी? मैं CRPF बेस में बंगाल में पोस्टेड हूँ, और जो कि जो मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पिटाई और मार पीटा जा रहा है मामले आता को, और जानलेवा हमला हुआ है। मैं ड्यूटी पे रहता हूँ और इनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? सुंदरी पांडे। क्या हाल ही झगड़ा हुआ ये? बस पहले से प्लान बनाए रखे थे, सुबह 6 बजे पूंजा के लिए दरवाजे निकले, जैसे मैंने दरवाजा खोला बिल्कुल हमला कर दिया। हमने अपने पति को बुलाया, उसके भाला मार दिया, उसे बेहोश हो गए। तो घर में कोई बच्चे नहीं थे क्या उस वक्त? अरे 6 बजे सब सो रहे थे, अंदर बच्चा एक ही बच्चा था मेरे, सो रहा था और मैं आपका। मेरा नाम अखिलेश पांडे और ये पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। कहते हैं हम खूंटा नहीं रखेंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। 11 जुलाई 1976 को बदमाशों को ला के मेरे बाप के ऊपर अटैक किया था। ये शुरू से सब लोग बहुत परेशान किए हैं। हर 8-10 साल में ये काम करते हैं। हमारे लड़के को भी डुबो दिया। डुबो दिया मतलब? मतलब एक लड़के को भी तालाब में डुबो दिया गया था हमारा। तो उसमें ये लोग जेल नहीं गए थे क्या? जेल क्या, उसमें हम लोग इसी तरह जो है मार खा जाते हैं। क्या नाम है आपका? दयानंद पांडे। कौन लोग है जो मार चोट खा के आए यहाँ पे? ये मेरी माँ है और पिताजी। क्या कैसे मारपीट हुई है, क्या मामला था? मारपीट क्या है कि हम तो पहले से ही थाने में अप्लीकेशन दिए थे। ये आए दिन नमादा रहते हैं फौजदारी के, हम लोग झगड़ा करने नहीं चाहते क्योंकि घर में रहते नहीं हैं दोनों भाई। ये माँ बाप रहते हैं, बूढ़े बच्चे रहते हैं, बीवी रहती हैं, और ये लोग सब लोग घर ही पर रहते हैं, अंकित वगैरह। ये दिन भर जब मन होता है इनका, जब मन होता है तब आके दरवाजे चढ़ के गाली गलौज करके इसी तरह चले जाते हैं मारपीट करके। हमने 6 महीने पहले भी थाने में तहरीर दिया था, वहाँ से 116 हुआ दोनों का। अभी 6 महीने ख़त्म हुआ, 116 ख़त्म हुआ, जैसे ही वैसे ही फौजदारी अदा कर दिए। हमेशा से ये उतारू रहते हैं, इसीलिए कहते हैं हम खानदान ख़त्म कर देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता है।